हेलो, किमियो मेरे प्यारे बच्चियों, मैं राजीव कुमार वर्मा, IERT जिला लुधियाना, ब्लाक खन्ना तो। मैं अपनी पहली वीडियो दे विच ब्रेल लिपि बारे बेसिक जानकारी थोड़े नाल शेयर की सी। उसनों अगे वधाउण लई अते उसनों होर सौखे ढंग नाल सिखाउण लई मैं इस वीडियो नूं बनाने बारे विचार किया सी, तां जो बच्चे अते मापे घर बैठ के इस नूं सौखे तरीके नाल बच्चों नूं सिखाउण अते ब्रेल लिपि दे डॉट्स नूं याद करवाउण दे विच अपना योगदान पाउण। दे विच 6 डॉट हुंदे हन जिस नाल ओह ब्रेल लिपि 6 डॉट्स नाल चलदी है। इसे तरह मैं स्क्रीन दे उपर शो कर रहा हाँ कि ए तो लैके जे तक नीले अक्षरों के जो डॉट दिते हैं वो 6 ब्रेल लिपि के हैं। इन्हों याद करना बहुत जरूरी है। उसे तरह फिर मैं के तो लैके टी तक सैकेंड रो दे विच एक डार्क डॉट लगाया ता जो इस दे विच एक एक डॉट जोड़ते जाइए तो अगला शब्द अक्षर बनता जाए। इसे तरह यू तो जैड तक फिर मैं एक एक डॉट जोड़िया ता जो A to Z अपनी जो ABC है वह पूरी हो जाए। पर ये W शब्द मैं नहीं जोड़िया, उसकी बनतर अलग है, वो ब्रेल लिपि का स्पेशल करैक्टर है। तो W की बनतर इस तरह जो तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रही है इस तरह लिखी जाती है, ये स्पेशल करैक्टर वजों वरत्या जाता है। इस दे नाल जे आप देखिए भी A to Z ए तो जे तक याद करने तो बाद पूरी तरह नाल A to Z बन जाता है। उस तरह गिनती दे विच 1 to 9 अते 0 ए तो जे दे बनतर दे नाल ही बनता है। तो उसनों भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। 1 to 9 अते 0 सिखाने लई बच्चों को यह दसना जरूरी होता है कि जो आप 1 to 10 कोई अक्षर गिनती लिखनी है तो पहला एक हैशटैग की बनतर बना के बच्चे सिखानी जरूरी है कि जे बनतर इस तरह की आती है तो उस तो अगे गिनती लिखनी या पढ़नी शुरू हो जाती है। इसे तरह जे आप अगले शब्द नूं लैटर्स दे विच जाइए तां लैटर दा एक टैग बच्चे नूं सब तो पहला दसना पैंदा है कि ये लैटर दा टैग है जिस दे विच 5 और 6 2 बिंदुओं दे नाल टैग लगाया जाता है। उस तो बाद लैटर लिखना शुरू किया जा सकता है। इसे तरह अगर कैपिटल लैटर नूं यूज़ करना है तां कैपिटल लैटर तो लिखन तो पहला उसके मूहरे भी एक टैग देना जरूरी है जो कि सिर्फ 6 दी बिंदु नाल बनता है। इस तरह मैं उम्मीद करांगा कि आपां घर दे विच रह के अपने बच्चों को ब्रेल लिपि दे विच A to Z अते 1 to 10 तक सिखा सकते हाँ अते बच्चे आसान तरीके नाल इस नूं सीख सकते हैं। धन्यवाद। घर विच रहो, सुरक्षित रहो। स्कूल आने तक घर विच प्रैक्टिस करो। स्कूल आने तो बाद स्कूल लगन तो बाद आप इस सब की प्रैक्टिस अपने क्लासा दे विच करनी शुरू करांगे। थैंक यू।